लग रहा है यार, ऐसी है, धूप है, गर्मी है, बट चलो। और भाई सीन हो गया, मेरी चाबी रह गई थी वहां पे। बारिश और भी ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ही ज्यादा हो रही है भाई, अंधी अंधी। तो ये जो तुम्हें ये वाली बिल्डिंग दिख रही है ना, ये वाली, बड़े सीन हो गया है, फ्रेंड थोड़ा बीमार हो गया है। हेलो गाइस, व्हाट इज अप। हाँ तो फाइनली भाई उठ गए हम लोग, और बहुत ही खतरनाक नींद आई यार। मैं बता रहा हूँ 1:30 बज चुका है, तब सोए थे 8 बजे से, एकदम बढ़िया सी नींद आ रही कि मन ही नहीं कर रहा उठने का। सुबह से वही बस मैगी खाई है। और यार दूसरी बात, यहाँ पे पानी भी नहीं है, मतलब पानी तो है बट वो पुराना पानी है ना, तो मतलब बाहर से लाना पड़ेगा, तो देखते हैं कोई पानी वानी भी लेके आते हैं। A few moments later. So guys, हम हो गए रेडी, बस अब निकल रहे हैं बाहर। यार धूप हो रही थी थोड़ी, तो थोड़ा सा लेट कर दिया, बट अब सही है, सही लग रहा मौसम, सब ब्लॉक लगा के निकलेंगे। सही क्या लग रहा है यार, ऐसी है, धूप है, गर्मी है, बट चलो क्या करें, थोड़ा सहना पड़ेगा। जाते हैं यहाँ से, कुछ देखते हैं खाने का क्या सीन है। सो गाइस, सीन ऐसा है कि ये थोड़ा गांव वाला इलाका है, तो यहाँ पे ढाबे वगैरह थोड़े कम ही है, इसलिए मतलब यहाँ से बस स्टैंड थोड़ा दूर है, वहीं पे ज़्यादातर ऐसे खाने वाने का सामान है। बाकी ऐसा सीन है कि लोग घर पे तो बना ही लेते हैं यार अपना, तो अब देखते हैं, ढूंढते हैं यार, 1-2 किलोमीटर शायद पैदल चलना पड़े, बट कोई ना, ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाएगा वैसे तो। बट यार खाना खाने का मन हो रहा है बढ़िया सा कुछ। सो गाइस, ऐसा कुछ रास्ता है यहाँ पे जिस पे हम जा रहे हैं। सो गाइस, अभी अब आ गए हैं मेन रोड पे, और यहाँ पे कुछ दिख रहा है मेरे को, फूड पॉइंट करके जगह, देखते हैं यहाँ कुछ मिलेगा तो। सब कुछ है यहाँ पे खाने के लिए, तो हमने मंगा रखी एक थाली। सो गाइस, बिना किसी देरी के हमने किया अपना भोजन शुरू। भूख बहुत ही तेज लग रही थी, इसलिए हम बिना रुके लगातार खाते गए जब तक पेट एकदम भर नहीं गया। आ गए हम वापस खाना वाना खा के, अभी घूम रहे हैं, थोड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, शायद बारिश वाला मौसम है इसलिए अच्छा लग रहा है। खाना वाना खा लिया हमने, सही था, मतलब घर जैसा खाना लग रहा था, ऐसा लग नहीं रहा था किसी रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खा रहे हैं। और भाई सीन हो गया, मेरी चाबी रह गई थी वहाँ पर, और भैया पीछे से भागते भागते आए और फिर एकदम ऐसे, ये लो भैया आपकी चाबी रह गई, फिर मिल गई, शुक्र है, मैं तो रूम की चाबी रह जाती, फिर से आना पड़ता है यहाँ पर, क्या करूँ। ये पानी ले लिया मैंने 2 बोतल, बारिश लग पड़ी यार, रूम पे पहुँचते पहुँचते बारिश, पता नहीं अब क्या सीन है, कितने देर में बंद हो गई, लग तो नहीं रहा जल्दी बंद होगी, मन कर रहा है चले जाएँ ऐसे ही भीगते हुए, पर यार फिर शूज़ वगैरह सब कुछ भीग जाएगा, तो वेट कर लेते थोड़ा सा। गाइस, बारिश और भी ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ही ज़्यादा हो रही है भाई, अंधी अंधी बारिश हो रही है भाई, ये देखो इधर देखो, सब कुछ बह गया भाई, सब कुछ बह गया एकदम, पानी पानी हो रखा है एकदम से, खतरनाक सी बारिश हो रही है भाई एकदम। तो गाइस, आ गए हम वापस रूम पे। अब यार तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, ये तो बहुत बारिश पड़ रही थी, तो मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे हम एक जगह बैठे रहे, 2 घंटे से एकदम तनाव बारिश पड़ रही थी, एक ही जगह पे बैठे रहे हम, सिर्फ जैसे ऐसे करके एक कार्डबोर्ड सा था उसको ओढ़ के हम यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या ही बताऊँ यार, चलो अभी पहुँच के अब तो मैं बताता हूँ मैं कल मेरा टेस्ट कहाँ जाता है, ठीक है, अभी मौसम देख लो थोड़ा सा। तो ये देखो, अब तो मैं बताता हूँ, ये जो तुम्हें ये वाली बिल्डिंग दिख रही है ना, ये वाली, ये यहाँ पे सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग, यहीं भी हमारा एग्ज़ाम है कल, ठीक है, ऐसा ऐसा सीन है। सो गाइस, सुबह हो गई है, रात को मैं जल्दी सो गया था, तो अभी मेरा एग्ज़ाम है, तो अभी जा रहा हूँ यार, 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, 8:10 हो गए, अभी लेट हो गया बहुत, चलो भगवा के जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या सीन है। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं वापस घर, बट एक सीन हो गया है, फ्रेंड थोड़ा बीमार हो गया है, तो उसके लेके इमरजेंसी में जाना पड़ेगा हमें चंडीगढ़, तो उसको लेके जाएंगे हम PGI, तो शायद कल ही घर जा पाएंगे, अभी देखते हैं, अभी निकल रहे हैं जल्दी।
सो गाइस, चंडीगढ़ निकलने से पहले मैंने खाया ये चना समोसा क्योंकि मुझे लग रही थी भूख। तो गाइस, हम पहुंच गए कोटा के बस स्टैंड। अब यहाँ पे दोस्त आएगा लेने गाड़ी में, तो हम साथ ही निकलेंगे उसके बाद। अभी मैं यहाँ पे घर चला सकूँ, लग रही थी बहुत तेज।